किसके साथ करा रहे हो शादी? कौन है मंजिता? कौन है? किसके साथ हो रहा है? Hello, क्या नाम है तेरा? ओह थैंक यू. गर्म हो जाता तो अच्छा लगता था. तो ये रेस्टोरेंट में जो मेन्यू है ना काफी लिमिटेड है. मिनट्स की बाइक राइड थी, काफी कंफर्टेबल थी, थोड़ा बहुत ट्रैफिक था और अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं बौद्धनाथ स्तूपा या बौद्ध स्तूपा के यहाँ पे. अभी अंदर जाके चेक करना है कि हम लोगों की एंट्री प्राइस क्या है. वन टिकट इंडियन हाउ मच? एंट्री की चार्जेस 100 नेपाली रुपीज है, यानी कि लगभग 50-60 रुपीज हो गया. और साथ में वो लोग एक बुकलेट भी देते हैं जिसमें फुल इन्फॉर्मेशन है, तो आपको टूर गाइड की भी जरूरत नहीं पड़ती है. बौद्धनाथ स्तूपा जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है फॉर बुद्धिस्ट एंड इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल. गौतम बुद्ध के जाने के बाद ही ये कमेमोरेशन में बनाया गया था इन हिज ऑनर टू सेलिब्रेट हिज लाइफ हिज जर्नी हिज डेथ इवन. और यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हैं ना पीछे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज भी है, बहुत सारे मॉन्क्स भी इधर है जो रहते हैं ट्रेनिंग लेते हैं. सो इट्स अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर पीपल हु आर फ्रॉम बुद्धिज़्म. तो उन लोगों के लिए इधर जो है बौद्धनाथ स्तूपा में जो आते हैं लोग उनके लिए खास ही मायने रखता है, स्पेशली द पीपल हु हेल फ्रॉम टिबेट. लाइव पेंटिंग इधर देखने का मौका मिल रहा है गौतम बुद्ध का. वेरी नाइस, वेरी डेलिकेट, नाइस पेंटिंग. ये कितना टाइम लगता है आपको फिनिश करने के लिए एक पेंटिंग? एक महीना लगता है. 1 month एक पेंटिंग ख़त्म करने के लिए आर्ट और आर्टिस्ट के लिए मेरे लिए ना बहुत हाई रिगार्ड रहता है. तो मैंने जितने भी लाइफ में कोशिश की है पेंटिंग करने की कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया हो. तो मोस्ट आई मैनेज टू बी क्रिएटिव इज प्रॉबेबली ऑन यूट्यूब. खुद के वीडियोस बनाना, ये एडिट करना, अपलोड करना और आप लोगों का इतना प्यार भी मिल रहा है. आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि आप लोग भी ये आर्ट अप्रिशिएट कर रहे हो. और इसीलिए अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो प्लीज़ कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा. ऑल्सो ये जो टेम्पल है फॉर द मिडल ऑफ द डे इन द ऑन अ फ्राइडे इज क्वाइट पैक्ड, बहुत सारे लोग हैं इधर. आई गेस यहाँ का ये बहुत ही पॉपुलर वर्शिप क्लॉथ स्पॉट होने के साथ साथ में एक पर्टिकुलरली एक हैंग आउट स्पॉट भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आजू बाजू चारों तरफ ये जो है इनसर्कलिंग दिस प्लेस. आपको बहुत सारे प्लेसेस है शॉप करने के लिए, कॉफ़ी रेस्टोरेंट्स बार्स सब कुछ है इधर. सो अ लॉट ऑफ पीपल कम हियर टू जस्ट रिलैक्स हैंग आउट चिल. ऑब्वियसली उनके लिए तो एंट्री फ्री है, हम लोग तो रोज़ रोज़ आएंगे तो 50 का पता कट जाएगा. ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मॉनेस्ट्री है बेसिकली ठीक स्तूपा के एकदम ही ऑपोजिट, ऐसे यहाँ पे 4 मॉनेस्ट्री है जहाँ पे मॉन्क्स पढ़ाई करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, अपनी प्रेयर्स प्रैक्टिस करते हैं और रहते हैं. तो आपको जब चांस मिलेगा इधर आने का ना, तो मेरे पीछे जो दिख रहा है आपको इधर ज़रूर एक बार जाइए. आर्ट वर्क अंदर बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत ही मतलब पीसफुल है. मॉन्क्स वहाँ पे प्रे कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. इट्स अ वेरी एनलाइटनिंग एंड अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. ओके तो पूरा जो स्तूपा का दर्शन तो हो गया हमारा. अभी लंच के टाइम आ गई है और आज मैं इस ब्लॉग में ना बहुत सारे यहाँ पे लोकल क्यूजीन एक्सप्लोर करने आओ, क्योंकि 2-3 दिन से ना यार तमिल में सब फॉरेन फूड ही खा रहा हूँ, क्योंकि इतने गोरे उधर आते हैं, सब पिज़्ज़ा पास्ता यही मिल रहा है, नेपाली फूड ढूंढना काफ़ी मुश्किल है. तो आज मैंने कुछ जगह नैरो डाउन की है, उधर जाके हम लोग ऑथेंटिक नेपाली क्यूजीन ट्राई करने वाले हैं. खावा कारपोन नूडल फैक्ट्री ये दिखाई देगी, ये बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है यहाँ पे. थुक्पा और चाउमीन बहुत फेमस है इधर का. तो चलिए अंदर जाके अभी हमारा मेन कोर्स भी खा लेते हैं.
तो ये रेस्टोरेंट में जो मेन्यू है ना काफी लिमिटेड है, बट फूड की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है यार। मैं बहुत देर से इधर हूँ, बैठा हूँ, ओनर से भी बात कर रहा था। बैक टू बैक थुप्पा और चाउमीन बिके जा रहा है। सो अभी मैंने भी वही ऑर्डर दिया है, थोड़ी देर में बन के आएगा। हाय, क्या नाम है तेरा? ओ थैंक यू, सर इधर स्टाफ के साथ रिश्ता लगा रहे हैं यार, एक शादी भारी पड़ जाती है लोगों को, इधर एक और इधर इंटरनेशनल शादी करा रहे हैं यार। किसके साथ करा रहे हो शादी? कौन है मंजिता? कौन है? किसके साथ हो रहा है? ये है शादी नहीं हुआ है पर मेरा हो गया। दूसरा शादी नहीं कर पाएगा मैं, एक ही भारी पड़ता है, दो नहीं होएगा मेरे से। क्या बना रहे हैं आप लोग? ये क्या बना रहे हैं? बफ का ओके बना रहे हैं क्या? अरे फेस तो दिखाओ, छुपाएगा तो कैसा चलेगा? एक बार कमा साथ में आना पड़ेगा। बहुत शर्मा रहे हैं इधर। बहुत अच्छा था यार, बहुत जेन्युइन लोग हैं इधर के। तो देखो उधर उधर देखो, अंकल ने कहने के बाद सब लोग उधर YouTube ही चेकआउट कर रहे हैं चैनल। तो आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब इनकी तरह कर दे, भूलना मत। तो हमारा चिकन चाउमीन इधर आ गया है और इसको जो है ये लोग ऐसे सर्व करते हैं। इसमें आपको पहले तो इसे मिक्स करना है, नीचे सॉसेज है देखिए पूरा, टू प्रॉपरली मिक्स इट अप एकदम अच्छी तरह जो है, ताकि इसका पूरा सॉस नूडल को लग जाए। पता ही नहीं चलता एक्चुअली अगर आप फर्स्ट टाइम खा रहे हो कि बॉटम में आपका पूरा ये लगा हुआ है। सो आपको प्रॉपरली मिक्स करना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ये, क्वाइट टेस्टी, क्वाइट सफल ऑल्सो यार, अनलाइक एनीथिंग आई ईटन एटलीस्ट इंडिया में। अभी ये थोड़ी सी जो स्पाइसी सॉस है उसके साथ भी ट्राई करने वाला हूँ मैं। काफ़ी स्पाइसी है यार ये रेड सॉस, थोड़ा बच के रहना है इससे। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक यू। अरे सुनो, बाय बाय, थैंक यू, अच्छा था खाना। तो इधर का भी एक्सपीरियंस बहुत ही ऑसम था, आई मीन लाइक द स्टाफ वाज सो नाइस एंड द ओनर वाज आल्सो सो कूल। कभी कभी ट्रैवल का यही बेस्ट पार्ट रहता है यार, लाइक इट कैन बी टायरिंग, इट कैन बी हेक्टिक, ब्लॉकिंग करना कभी कभी अनोइंग हो जाता है, बट व्हेन यू आर डाउन ना कभी कभी लोग ऐसे आ जाते हैं एंड दे जस्ट चेंज द मूड, लाइक द ओनर जो मिला, ही वॉज ऑफरिंग वॉर्म वाटर, बहुत देर बैठा उसने अपनी लाइफ की स्टोरी बोली, स्टाफ वॉज सो नाइस एंड यू नो हेल्पफुल। इट्स अ ग्रेट फीलिंग, ऐसे जब होता है ना दिन चेंज हो जाता है कमा कसम एकदम ही। आज का वीडियो इधर ही पब्लिक, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो नेपाल की तो पूरी ऑन गोइंग सीरीज चल रही है, आई बटन पर दबा के देख लीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑफकोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तभी तक स्टे सेफ, मिलते हैं जल्द। ट्रैवलिंग बंदा आउट। अरे इतना ये छुप रही है, इसका तो शक्ल ही नहीं दिखा रहा है। नकली वाला।